सर और पास आ जाइए। शायद हमें पता न हो, विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अब यह माना है कि विश्व का सबसे बड़ा इस प्रकार का एकत्रीकरण अगर कहीं होता है, करोड़ों की संख्या में इस प्रकार के बंधु नदी के तट पर आते हैं, अपनी झोपड़ी बनाते हैं, महीना भर पूरे माघ में वहाँ विश्राम करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी स्वाध्याय की दिशा लेते हैं। ऐसा सारा विश्व का इतना बड़ा जो कुंभ प्रयागराज में इस साल हो रहा है, उसकी महिमा देख करके लोगों के मन में आया कि ऐसी जो बड़ी कुशल ऐसी शक्तियां हैं जिस क्षेत्र में वो काम करती हैं, ऐसे लोगों का हम एक बार पहले स्थान स्थान पर आमंत्रित कर ले तो ऐसे सात ऐसे कुंभ पूरे उत्तर प्रदेश में करने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयोग हुआ है। क्या रहा और क्या होगा? आगामी 8-9 दिसंबर को राधा नगरी में वृंदावन में नारी शक्ति कुंभ एक वैचारिक मंथन उसका आयोजन हो रहा है। आज नाजरी तेजो वलय इसकी प्रदर्शनी का कार्यशाला का उद्घाटन आज हुआ है। 60 चित्र ऐसी महिलाएं जिनका समाज जीवन में अग्रणी स्थान है, वैदिक काल से लेकर के अभी तक आधुनिक काल तक जिनका रोल मॉडल के रूप में समाज स्वीकार करता है, उनका जीवन व्रत प्रकट हो, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश से विभिन्न स्थानों से कला साधक कलाकार आए हुए हैं। ये 4 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर चलने वाली है।